हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लाइन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 9 जुलाई 2024 को नेवी SSR और MR दोनों की फर्स्ट एड सेकेंड शिफ्ट का पेपर पूर्ण हो चुका है और आज हम उसी पेपर का एनालिसिस करेंगे। यानी कि पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बाद में सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन था इसमें कि भाई भारत की मुद्रा कौन सी है, इसका उत्तर था रुपया। फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, उत्तर आएगा इसमें बरगद। तीसरा क्वेश्चन था साहित्य अवार्ड कब से शुरू हुआ, इसका उत्तर था 1955 से। चौथा क्वेश्चन पूछा गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चिन्ह कौन सा है, इसका उत्तर था राष्ट्रीय गौरव। चौथा क्वेश्चन था रानी की वाव कहाँ है, इसका उत्तर आएगा गुजरात। छठवां क्वेश्चन था नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तर है इसका अफ्रीका महाद्वीप। सातवां क्वेश्चन था दाल चावल धोने से क्या होता है, यानी कि जब दाल चावल को धोया जाता है तो इसमें विटामिन खत्म हो जाती है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है, इसका उत्तर था मीटर। प्रश्न नंबर 8, यानी कि पूछा गया 4-9 रेगिस्तान 25-36, इसका आंसर आएगा 16। फिर बाद में नवे क्वेश्चन पर जाते हैं। नवा क्वेश्चन पूछा गया बनारस किस नदी पर स्थित है, इसका उत्तर आएगा गंगा नदी। 10वां क्वेश्चन पूछा गया हल्दीघाटी युद्ध किस किस के मध्य हुआ, यानी कि इसका उत्तर दो दे सकते हैं। इसमें ऑप्शन में था महाराणा प्रताप और मानसिंह, यानी कि इसमें हुआ तो अकबर यानी कि सेनापति, यह था मानसिंह, इसलिए इसको महाराणा प्रताप और मानसिंह का युद्ध कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन था WTO हेड क्वांटम कहाँ है, यानी उसका उत्तर मिलेगा जेनेवा। 12वां क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है, इसका उत्तर आएगा जलोढ़ मिट्टी। 13वां क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, उत्तर है इसका 1942। 14वां क्वेश्चन पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीता, उत्तर है इसका ब्राज़ील। 15वां क्वेश्चन था भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है, इसका उत्तर आएगा 2.4%। 16वां क्वेश्चन पूछा गया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, उत्तर है इसका इल्तुतमिश। 17वां क्वेश्चन है होनेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इसका उत्तर आएगा मोस्ट होनेस्ट। 18वां क्वेश्चन पूछा गया टेरिबल का एंटोनिम्स क्या है, इसका उत्तर आएगा ग्लोबल। 19वां क्वेश्चन था हेजिटेशन का एंटोनिम्स क्या है, इसका आएगा कॉन्फिडेंस। प्रश्न 20, इस पूछा गया CSA का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर आएगा कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर। अब ये थे फर्स्ट शिफ्ट के आंसर और उत्तर, अब हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे। सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, इसका उत्तर आएगा पंजाब। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया स्वर्ण मंदिर किस धर्म का है, इसको सिख धर्म के लोग है वो ज़्यादा मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, गूगल का संस्थापक कौन था, उत्तर है इसका लेरी पेज और सेर्गेय ब्रिन। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया ओमेगा तेल का स्रोत है, इसका उत्तर आएगा सोयाबीन, पालक यानी कि जो भी सब्जियां हैं वो ओमेगा तेल का स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, नाइजीरिया की मुद्रा कौन सी है, उत्तर आएगा इसका नायरा। प्रश्न नंबर 6, हेड का एंटोनिम्स क्या है, इसका उत्तर आएगा सॉफ्ट, यानी कि हार्ड का एंटोनिम्स क्या है, उत्तर था इसका सॉफ्ट। प्रश्न नंबर 7, ग्लूमी का सिनोनिम्स क्या है, उत्तर आएगा इसका लोनली। प्रश्न नंबर 8, महिला फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू होगा, उत्तर आएगा इसका 1969। प्रश्न नंबर 9, वर्ल्ड वार सेकंड कब खत्म हुआ, उत्तर आएगा 1945। प्रश्न नंबर 10, कोल्ड का सिनोनिम्स क्या होता है, चिल्ली। प्रश्न नंबर 11, आवेश का क्वांटीकरण की खोज किसने की थी, यानी कि उसका उत्तर आएगा मिलिकन। प्रश्न नंबर 12, बोसोन की खोज किसने की, उत्तर आएगा आस्टिन ने। प्रश्न नंबर 17, कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है, कांडला बंदरगाह, यानी कि ये गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, ताइवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 15, डेवलपमेंट का एंटोनिम्स क्या होता है, उत्तर है इसका जेटरेडेशन। प्रश्न नंबर 16, डीप इन डार्क का एडजेक्टिव क्या होता है, इसका होता है शेडो।
प्रश्न नंबर 17, यदि किसी संख्या का 1/3 में 4 जोड़ा जाए तो वह 16 हो जाता है, वह संख्या क्या है? उत्तर था इसका 36। प्रश्न नंबर 18, 1526 के युद्ध के बाद कौन सा वंश आया, यानी कि 1526 के बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी और दिल्ली गद्दी पर बाबर का सिंहासन आ गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। प्रश्न नंबर 20, अमेजोन नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर इसका ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 21, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी श्रृंखला स्थित है? उत्तर है हिमालय। प्रश्न नंबर 22, हड्डियाँ व दांतों के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? उत्तर है कैल्शियम। प्रश्न नंबर 23, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 3/2 से गति करती है तो इसका आवर्तन काल क्या होगा? ये मैंने आंसर दे दिया है, आप देख लेना इसको। प्रश्न नंबर 24 है, चुंबकीय आघूर्ण है, यानी कि चुंबक का क्या आघूर्ण है, यानी कि सदिश राशि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।